सभी नेपाली दाजू बहिनी को मेरे तरफ से नमस्ते। मेरा नाम है आर्यन। तो ये है मेरा फुच्चे और ये हर बेस्ट सीन पे, बेस्ट जो भी पार्ट आता है ट्रेलर के अंदर या कोई भी वीडियो के अंदर, तो ये बजाता है ऐसे। बजा भाई, नाराज है क्या हुआ? इसकी गर्लफ्रेंड इससे नाराज है, इसलिए ये भी मेरे से नाराज हो गया कि मेरे को इसको मिलाने ले। अरे ले जाऊंगा भाई, ले जाऊंगा, पक्का ले जाऊंगा। चल बजा दे। और आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है मैजिकल रिएक्शन। जैसे कि आप जानते हैं, ज्यादातर मैं नेपाली वीडियो का रिएक्शन करता हूँ। आज एक और नेपाली वीडियो का रिएक्शन करने जा रहा हूँ जो पब्लिक डिमांड पे है। उसका ट्रेलर आया है, मूवी का नाम है पासो। जी हाँ, अभी कल ही इसका ट्रेलर रिलीज हुआ है। तो इसका जो एक्टर है वो है रिश्ता बसनेट, सुनीसा एंड राम कुमार जो इसके एक्टर एक्ट्रेस हैं। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते, चलो। ओके, 1 2 3 एंड स्टार्ट। इंटरेस्टिंग लग रही है मूवी, व्यूज काफी आ चुके हैं इसके यूट्यूब पे। हेलो हेलो सर, प्रमिला ना आती तारा के पनी होता है ना, बहुत छुनी तो सगा ये पनी था सर ना, ये उटा कार्ड को बॉक्स भी त्रस्त सर। हेलो मामू, मामू कुछ सस्पेंस लग रहा है। खतरनाक लग रही है। इसी के साथ हुई हमारी ये वीडियो समाप्त। काफी इंटरेस्टिंग लग रहा था मुझे, और बताऊं कि ठीक ठीक था। और बताऊं कि आज ये फुच्चे जरा सैड है, और बताऊं कि फुच्चे ने एक बार भी ये बजाया नहीं, और इसका सस्पेंस है जो उसके करके मैं बजाएगा जरूर। ये बजाना तो बनता है यार, क्योंकि मेहनत करा इन्होंने, लड़कियों ने। दो लड़कियों की कहानी लग रही है, और कुछ ऐसे किडनैप वगैरह हो जाते हैं, और फिर लड़की बाद में बदला लेती है शायद, बोलती तेरे को मैं ढूंढ ढूंढ के मारूंगी, ऐसा कुछ था। अच्छा था, नॉट बैड, मुझे अच्छा लगा। और इसके व्यूज़ बहुत अच्छे गए हैं, क्योंकि इसके कल रिलीज हुई थी ट्रेलर, और आज इसके व्यूज़ काफ़ी अच्छे गए। तो ये फिल्म को भी प्यार देना, नेपाल में ज़रूर देखना। और बताऊँ कि ऐसी सस्पेंस फिल्में बननी चाहिए, नेपाल में बनती नहीं है। नेपाल में ज़्यादातर कॉमेडी फिल्म या रोमांटिक फिल्म बनती है, एक्शन फिल्म भी कम ही है, लेकिन ऐसे सस्पेंस फिल्म भी पसंद करते हैं पब्लिक, तो ज़रूर आपको बनाना चाहिए यार। और बता दूँ कि मुझे काफ़ी मैसेजेज आए थे कि पासो मूवी का मतलब ट्रेलर का रिएक्शन करो, तो मैं कल करने वाला था, लेकिन मैं कल चला गया था उसका रिएक्शन करने, सोल ऑफ द कमांडो का पब्लिक रिएक्शन मैंने किया था। काफ़ी अच्छा प्यार मिल रहा है वीडियो को, और उनको राजकुमार राय को भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। लोग पसंद कर रहे हैं उनकी बॉडी, उनका एक्शन, उनका लुक, कहते हैं कि हॉलीवुड का हीरो लग रहा है ये, तो ये भी बड़ा हुआ है। पर पासो मूवी का ठीक ठीक लगा मुझे, क्योंकि अभी इसमें छोटा ट्रेलर था तो कुछ इतना कुछ खास समझ में नहीं आया, लेकिन कोई इसमें है जो किडनैप कर लेता है, या फिर उसको उसकी सहेली को मार देता है, या कुछ ऐसा था। मगर मेरे को लगता है कि वो बदला लेती है बाद में, और इंटरेस्टिंग होने वाली है फिल्म। और नेपाल में रिलीज़ होगी 2 दिसंबर को ये, तो आप ज़रूर देखने जाना और प्यार देना इस मूवी को, ताकि आगे जाके और अच्छी फिल्में बनाएं। और एक कंग्रेचुलेशन करना चाहता हूँ प्रदीप खड़का जी को, जिनको अभी एक बेस्ट डेब्यू का अवार्ड मिला है, जो कि वहाँ हुआ था आगरा में। आगरा में एक अवार्ड फंक्शन हुआ था, वहाँ पे प्रदीप खड़का को नवाजा गया है अवार्ड से, बेस्ट डेब्यू अवार्ड। कंग्रेचुलेशन है प्रदीप जी, ऐसे ही काम करते रहे और नेपाली इंडस्ट्री को इंटरनेशनल लेवल पर लेके जाएँ। बहुत खुश हूँ मुझे, जैसे मुझे पता चला। और चलो, बाकी मुझे ऐसे ही प्यार करते रहे, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, एंड बेल आइकन भी दबा दें। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, जब तक मेरी अगली वीडियो आती है। अपने माता पिता का, अपने दोस्तों का, अपने भाइयों का, बहनों का, सबका ख्याल रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय नेपाल, जय भारत।